आज की हमारी इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। जी हाँ, वी लुकअप, हमने लुकअप रेफरेंस मेथड के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लासेस में हमने आपको वी लुकअप के बारे में बताया, हमने आपको मैच और इंडेक्स के बारे में बताया, ऑफसेट के बारे में बताया, एच लुकअप के बारे में बताया। आज हम आपके साथ कुछ वी लुकअप के ट्रिक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक डेटा है, हमारा डेटा में एक सेल्स की आईडी है जो कि इम्पोर्टेंट आईडी है। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास सिटी है और इसकी क्वांटिटी मैं यहां से कॉपी करता हूं, एक नई शीट पे ले जाता हूं। अब मेरे पास नेम है और यहां पे उनकी सिटी है। अब प्रॉब्लम यह है कि कविता इसमें कई बार रिपीटेड है, या पूजा पुणे में भी है और मान लीजिए पूजा हमारा जयपुर में भी है, और मान लीजिए पूजा हमारा ये आपका नागपुर में भी है। तो मुझे यहां पे नेम, सिटी और यहां पे क्वांटिटी चाहिए। तो नेम में हमने पूजा दिया और यहाँ मैं बोलता हूँ पुणे का सेल चाहिए। तो चलो पूजा पर यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने नॉर्मली पूजा एक बार रिपीट हो रहा है तो पूजा के अकॉर्डिंग लगा लीजिए, लेकिन पूजा यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा है, पूजा हमारा मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम हमारा रिपीट कर रहा है, तो किसी भी कंडीशन में वी लुकअप दो कंडीशंस को मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें एक रो इंसर्ट करना होगा, एक अलग कॉलम हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहां पे एक नया कॉलम को इंसर्ट किया, और इस पे हमें कुछ यूनिक आईडी बनाने पड़ेंगे। तो यहां पे हम इन दोनों को लिंक कर देंगे, आपस में मैंने इसको कंबाइन कर दिया। कंबाइन हो गया और फिर इसको नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया। मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, हमने एन परसेंट के साथ ज्वाइन किया इसको पुणे को, और यहां पे आ गए एन कॉमा 1 2 3 4। ऐसे अगर तीन कंडीशन है तो तीन कंडीशन को, चार कंडीशन है तो चार कंडीशन को कंबाइन करके किया जा सकता है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? एक बार रिपीट कर देंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहां पे क्या किया कि इन दोनों को मर्ज कर दिया, सिंपल सा कॉन्कॉर्डेंट लगा के, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन एक और आता है।
क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है कि अगर कई बार रिपीटेड है, अगर डेटा मान लीजिए आपके आपकी एक ही नाम कई बार रिपीटेड है, तो इसमें आप अपना पहला तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, इसमें मान लीजिए कि अगर हम पूजा कहीं ढूंढें तो पूजा इसमें कई बार रिपीटेड है। अगर मैंने यहाँ पे दिया कि पूजा और हमने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया और डेटा में हमने इसको comma 2 comma 0 कर दिया, 51 आ गया। लेकिन मुझे चाहिए सबसे लास्ट वाली पूजा की सेल, ये हमें 68 नहीं 66 ये चाहिए। सबसे लास्ट वाली, तो इसमें कोई मैक्स इफ का फॉर्मूला तो है नहीं कि आप मैक्स नहीं मैक्स इफ से नया फॉर्मूला आया लगा सकते हैं, मैक एक्स का नया फॉर्मूला आया है आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसमें तो इसमें भी आपको पूजा के हाईएस्ट नंबर देगा, मुझे इसमें चाहिए सबसे लास्ट वैल्यू पूजा की। तो इसके लिए भी हमें हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट दिखाता है, बट लास्ट वैल्यू कैसे दिखेगी, क्या जरूर है, लास्ट वैल्यू तो मुश्किल है ना। तो यहां पे हम देंगे, यहां देंगे क्या देंगे, एक तरीका है एरे के तरीका से तुम कर सकते हैं, एक यहां पे क्वेश्चन है यहां पे काउंट इफ का, काउंट इफ के जरिए हर हर एक किसका सीरियल नंबर हम देंगे B2 से B2 comma B2। तो अगर मैं पहले वाले B2 को अगर फ्रीज कर देता हूँ, फिर इसको नीचे के तरफ मैं ड्रैग करता हूँ, तो अगर आप फिल्टर करके देखोगे तो हर नाम को इसने एक यूनिक वैल्यू दे दिया है। तो मुझे सबसे हाईएस्ट 11 है उसका नंबर यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए क्या करें, क्योंकि तो मुझे यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए 11। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके साथ कॉनकेटा नेट कर रहे हैं इसको नेम, ताकि 1 पूजा 2 पूजा और कविता पूजा आ जाए, और यहाँ हम वी लुकअप लगाएंगे, तो लुकअप वैल्यू में होगा काउंट इफ, और काउंट इफ में हमने इस नेम को लिया और इसको ले लिया, तो ये बता देगा कि आखिर कितना बार रिपीट हो रहा है, इसके साथ इसका नाम हमने दे दिया और हम लुकअप में इसको लगा देते हैं कॉमा 3 होगा ना 3 कॉमा, तो 66। ये काम कैसे कर रहा है देखिए, यहां आपके सामने दिख रहा है कि काउंट इफ का फॉर्मूला क्या कर रहा है, पूजा काउंट करके दे रहा है कि 13, इस पूजा इस कॉलम में 13 बार आया हुआ है, तो 13वां चाहिए, तो 13 हो गया हमने दे दिया। अब 13 के साथ हमने डैश लगा के पूजा को कंबाइन कर दिया, तो यहाँ पे आपको 13 पूजा आ गया, और फिर हमने इसको आपस में किया तो ये आपका 66 दिख गया, तो पूजा के लास्ट वैल्यू यहाँ पे दिख गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, नहीं सर। आ गया ना, क्लियर है सर, ये फाइल शेयर कर दीजिएगा क्लास के बाद। जी सर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तीसरा क्वेश्चन में हम चलते हैं, वी लुकअप से रिलेटेड ही हम इस चीज को कर रहे हैं। अब पहले क्वेश्चन में हमने इसकी अकॉर्डिंग चला, दूसरे क्वेश्चन में हमने ये डाला, तीसरा क्वेश्चन चलिए हम बनाते हैं क्या होना चाहिए वी लुकअप।
हमने यहाँ पे पहली और दूसरी रिपीटेड जो वैल्यू होती है उसमें दिक्कत होती है। अब चलिए रिपीटेड की ही बात करते हैं। अभी यहाँ पे हम तीसरे को तीसरे एग्जांपल में आते हैं। अब यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए उदय कुमार, ये मान लीजिए कि एक ही बार डेटा आया हुआ है, ये बहुत सारा डेटा मैं इसमें से हटा देता हूँ। तो मेरे पास उदय कुमार है लेकिन मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ उदय, क्योंकि कभी उदय आता है कभी पे उदय कुमार आता है, मुझे इसकी क्वांटिटी को मैच करना है। उसके लिए यहाँ हम वी लुकअप लगाएंगे, उदय को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, कॉमा टू कॉमा जीरो करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि एन ए आया। अगर उदय होता तो यहाँ पे आपको दिख जाता। मेरा नाम में उदय कुमार, तो अगर मैं अपने इस डेटा में अगर मैं दोनों तरफ स्टार लगा देता हूं तो यहां पे हमारा डेटा दिख जा रहा है, मतलब दोनों तरफ स्टार लगा दिया जिसका इसको जिसका ये हो गया कंटेन। अगर मैंने स्टार उदय किया तो हो गया एंड विद, अगर मैंने उदय कर दिया और फिर स्टार लगाया तो हो गया स्टार्ट विद, समझे? स्टार्ट विथ एंड विथ, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें तो अपने डेटा में लगाना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास यहां सिर्फ उदय लगा हुआ है, ऐसे बहुत सारे नाम है, तो हर किसी में जाके स्टार लगाना तो पॉसिबल नहीं ना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे दादा, आपको उस केस में मैं वी लुकअप में ही स्टार को ऐड कर, स्टार को ऐड कर दूंगा, एक तरफ करना कंबाइंड कॉन कट आने से लगा। देखिए कभी कभी जैसे मान लीजिए इसमें जो है एक R40 के नाम से या R70 के नाम से यहाँ पे कुछ नाम ऐसे डले हैं, तो ये यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे R10 भी हो सकता है, मतलब कि हमारे पास कुछ तो एम्प्लॉई हैं जो कि हमारे इन हाउसेस के हैं, कुछ इम्प्लॉई हैं जो कि हायर किए गए हैं वेंडर के थ्रू, तो वेंडर के थ्रू जो हायर हुआ तो उनका नाम हम रखते हैं, उसकी वेंडर का जो कोड होता है वो कोड हम रखते हैं। तो मुझे मान लीजिए कि एक डेटा में वेंडर कोड हो सकता है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं 3 डिजिट वाला नंबर को लुकअप करना चाहता हूँ, तो उस केस में हम 3 बार क्वेश्चन मार्क डालेंगे और वी लुकअप लगा देंगे, तो जो जिसके अंदर 3 डिजिट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लुकअप कर देगा, सिर्फ 3 डिजिट वाले जो होंगे वो आपका लुकअप यहाँ कर देगा। ठीक है, किसी को डाउट? नो सर। तो 3 डिजिट वाले यहाँ पे आपके लुकअप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे अगर आपने 3 क्वेश्चन मार्क दे दिया तो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये नंबर पे अप्लीकेबल नहीं है, समझे? कि अगर मैं यहाँ पे कर दू 7 8 1 4 यहाँ एन आएगा, क्यों? क्योंकि नंबर पे क्वेश्चन मार्क या जो भी स्टक किया है एक ही नंबर के ऊपर नहीं चलता है, समझ गए? क्लियर है? जी। जी हाँ, ये नंबर के ऊपर आपके नहीं चलेंगे, इसका ध्यान आप लोग रखिएगा।
तीसरा यहाँ पे आता है कि मेरे यहाँ पे सेल्स डले हुए हैं, मेरे यहाँ पे उस सेल्स के फिगर डले हुए हैं। अब मुझे इस पे इंसेंटिव देना है। आप बोलेंगे सर इंसेंटिव के लिए तो जनरली हम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो वी लुकअप क्यों 41 टू 30 हो तो 1000, 81 टू 100 हो तो 2000, और ग्रेटर देन 100 हो तो 5000। ठीक है, क्लियर है? इसको अगर इस पे इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे इससे पहले लगाया था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसको हम बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग पॉइंट आप यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे इसको आप कॉपी कर देते हैं और सिंपली मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर्मूला वी लुकअप। हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने डेटा को सिलेक्ट किया कॉमा 2, 0। लेकिन जीरो करने से क्या होगा, एग्जैक्ट मैच मतलब कि फॉल्स। मैं यहाँ पे वन मीन्स ट्रू कर देता हूं तो ये हमारा ग्रुप लुकिंग करेगा। ये देखेगा कि 47 किसके बिटवीन में है, जिसके बिटवीन में है उसका ऊपर वाला पार्ट के सामने वाली वैल्यू शो करेगा। तो ये आपका वी लुकअप से भी कर सकते हैं। अगर किसी ने पूछा कि वी लुकअप में ये आपका जीरो के जगह पे वन का क्या एग्जाम्पल क्या यूज है, तो आप यहां पे बता सकते हैं। बात होती है कि यहां पे आप एक चीज और कर सकते हैं, लुकअप। लुकअप हमने इसको लुकअप में लिया और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और कॉमा इसको सिलेक्ट कर दिया। लेकिन लुकअप का बेनिफिट है कि आप जो है इसके अंदर अपने डेटा को भी दे सकते हो 41, 81, 101 को क्लोज किया कॉमा यहाँ पे 500, 1000, 2000 and 5000, रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, डाउट इसमें? नो सर। चलिए इसका यूज कर सकते।